का फैमिली को खिलाइए, आपको याद करते रहेगा और पूछेंगे भी कैसे बना इतना टेस्टी, नेक्स्ट टाइम बनाने के लिए भी कहेंगे इतना टेस्टी होता है। बहुत ही लोग है ये कद्दू रेसिपी खाता ही नहीं है, जो पे कद्दू रेसिपी खाने में इतना टेस्टी और बनाने में इतना ईजी। तो वीडियो यहाँ तक देख लीजिए, आप भी मजबूर होंगे खाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंडियन कुकिंग स्पेशली चैनल की तरफ से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का प्यार भरा सपोर्ट से लेकर आई हूँ और एक नया वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आज बना रहा हूँ कद्दू रेसिपी बना रहा हूँ। तो कद्दू रेसिपी बनाने के लिए मैंने इसमें 1 kg कद्दू लिया है। तो मैं इस कद्दू को रेसिपी बनाएंगे, तो वीडियो यहाँ तक देख लीजिए मैं किस तरह बनाता हूँ, तो आप भी शायद नेक्स्ट टाइम बनाने को मजबूर होंगे। तो अभी इस कद्दू को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए मैंने छोटा छोटा करके पीस कर लिया, अभी धो लेंगे और रेसिपी में डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आज कल वीडियो तो खूब ही मजा होगा। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ाई में बनाएंगे, तो इसमें तेल ऐड कर देता हूँ। फ्रेंड्स, तेल गरम कर लिया मैंने, तो अभी इसमें थोड़ा जीरा ऐड कर देंगे, 3-4 पीस मिर्ची, लाल मिर्ची ऐड कर देंगे, तो लहसुन ऐड कर देंगे, प्याज भी ऐड कर देंगे। अभी 2 मिनट में प्याज लहसुन ये सभी मसाला को फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट फ्राई कर लिया। अभी 2 इलायची, 2 पीस लौंग और लौंग इलायची दालचीनी भी ऐड कर दिया, 2-2 पीस करके। अभी इसमें ऐड करेंगे ये 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा तेजपत्ता ऐड कर देंगे। अभी गैस को लो फ्लेम पर रख देंगे और मसाला ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया, 1/2 स्पून जीरा पाउडर ऐड कर दिया, 1 स्पून से कम हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, 1/2 स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया, 1/2 स्पून गरम मसाला ऐड कर दिया। अभी फिर से 1 मिनट हम फ्राई करेंगे, बिल्कुल पानी ऐड नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ऐड कर देंगे 1 स्पून नमक ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ऐड कर देंगे कद्दू को, ऐड कर देंगे ये कद्दू, ये ऐड कर देंगे। इस मसाला का साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी इसको कवर करके रख देंगे। अभी 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे रख के इसे कवर करके रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट्स के बाद कवर को निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा कश्मीरी मेथी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं गैस को हाई फ्लेम पे 2 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 मिनट ऐसे फ्राई कर लिया। अभी लास्ट में ऐड कर देंगे धनिया पत्ता, ऐड कर देंगे धनिया पत्ता, ऐड कर देंगे। अभी 2 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे और गैस को ऑफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए आप लोग जो भी कहे, पंपकिन, लौकी, कद्दू, मिष्टी कुमड़ा, रंगालाव, तो जो भी है मतलब रेसिपी रेडी है। तो एक एक लोग एक एक नाम कहता है, तो देखिए कितना बढ़िया सा हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी इस बोल पे निकल देंगे। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए मैंने ये बोल पे निकल के लिया है, कितना टेस्टी से हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग किस तरह एक बार बनाए, बना के देख लीजिए कितना टेस्टी होता है। इस तरह बनाए बनाए के चावल का छत का, ये रोटी का छत का, ये वही था आज का मेरा वीडियो। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।